Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में रोटी बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज गरम गरम रोटी और उसके साथ है अंडे का भुर्जी। तो नाश्ता सिंपल बना रही हूँ आज, ठीक है? चलो टू सिंग अलोंग माय फ्रेंड फॉर इट्स आवर लास्ट रिफ्रेन फॉरएवर यंग। तो चलो गाइस, और भी रोटियां हैं, वो दालें बाद में आपसे मिलती हूँ मैं, ठीक है? चलो एवर स्ट्रॉन्ग एवर ब्रेव मेमोरीज। बना रही हूँ मैं अंडे का भुर्जी गाइस, मस्त टमाटर डाल के। मैं डाल दी है हरी मिर्ची, एकदम स्पाइसी मस्त रहता नाश्ता। ऐसा करना गाइस, एनर्जी आती पूरा दिन। नाश्ता अच्छा करना, लंच वगैरह लाइट करे तो भी चल जाता। नाश्ते के बाद की चाय बन रही। वेदर मैं दिखाती हूँ गाइस, बहुत जबरदस्त है। ये शोएब की चप्पल है गाइस। आज धूप है गाइस, आज खतरनाक धूप है, ठीक है? अभी हम लोग जा रहे बाहर, कहाँ जा रहे? घर का कुछ काम है, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ व्लॉग भी बनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। और शोएब रेडी नहीं हुए, आज देर कर दिए, तो शोएब रेडी होने में मिलती हूँ मैं आपको सीधा गाड़ी में, ठीक है? चलो And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. लाने के वास्ते, एंड उसके बाद में हम लोग जा रहे गाइस न्यू हाउस के वास्ते, कुछ शॉपिंग करने जा रहे गाइस। क्या है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ट्रैफिक तो मालूम ना कैसी रहती है टाइम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम ना निकले एक ज़बरदस्त चीज़ लेने के वास्ते हमारे न्यू हाउस में। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चीज़ की अभी ज़रूरत पड़ती है और आगे भी ज़रूरत आएंगी इसकी, तो वो लेने के वास्ते हम ना निकले। ऑलमोस्ट निकल के भी बहुत टाइम हो गया यार, कितना लंबा ट्रैफिक है हर जगह पे। बस वाले भैया हट रहे नहीं, इन जब से अंकल आएगी अंदर भैया आएगी हट रहे नहीं भाई, जाने नहीं दे रहे, ना इधर से जाने दे रहे ना उधर से जाने दे रहे। हर जगह से जाम ही है, इधर से भी ट्राई करूं तो भी नहीं जा रही आगे। हरिया फिर आगे फंस गए यहाँ पे। वाह इतनी ट्रैफिक है शाम में, अरे रे बाप रे। ये पूरी यार रहते तो दुकान एग्जीबिशन की वजह से। हम लोग 10-15 मिनट पहले अब आए यहाँ पर, एग्जीबिशन की वजह से आधा आधा घंटा लग रहा है एग्जीबिशन के वास्ते। पूरा कैसा जाम है, पूरा जाम ही जाम है। ये बस वाला अपना पीछा नहीं छोड़ता शोएब। आई हेट रेड कलर अब। जाना भाई हमारे को भी जाने दे, ऐसा हट रही ये ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी थोड़ी। गाइस हम लोग आए यहाँ पर कोठी के पास, बिकॉज कूलर यहीं से मिलते हैं। यस, तो आए हम लोग कूलर लेने का सीन और बोल डाले मैं बोला सरप्राइज रखा। एसी तो हमारे बेडरूम में है गाइस, हॉल के वास्ते हम लोग को लेना है कूलर, बिकॉज समर मालूम ना सर पे छे। सर पे नहीं आज गया, वो आ गया गाइस। तो बहुत गर्मी हो रही है अभी से, तो आगे नहीं मालूम कैसा होता, बिकॉज हमारे ऊपर घर नहीं है। तो इसके वजह से ऐसा होता, कूलर होना जरूरी है। तो कौन सा लेंगे अपन, मतलब फाइबर का लेंगे आयरन का लेंगे? फाइबर वाले अपने पास थे भी पहले, भी वो वेस्ट है। शो जो प्रैक्टिकल है वो लेना, शो पीसा नको अपने को भाई। यस, हवा आना, ठंडा होना घर, पानी डालते रहना वो जैसा भी है। नहीं पानी डालने अपन कनेक्शन दे देंगे, बर्फ डालना, परफ्यूम डालना, लेकिन प्रैक्टिकल वाला लेंगे। Yes. शॉर्ट अप के नको अपने को, फाइबर के ये वो ब्रांड के।
अपने को होना जो काम कर सकती चीज जिसमें से ठंडी हवा आती है। Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So we're guys, show up. देखने के वास्ते guys बहुत जबरदस्त cooler हैं। तो शोएब को ये मैं बोल रही हूँ तो नहीं पसंद आ रहा। शोएब को ये पसंद आ रहा guys. And I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding. ये फुल है ये? वाटर का ये वाला। ये फुल है ये? छोटा। वाटर पानी का जो। गैस यहाँ तक हवा आ रही है इसकी। इतनी दूर में हूँ मैं। यहाँ तक मार रही हवा। यहाँ पेपर है इसका पूरा पेपर है। बोलो भाई लगा इससे बेटर ये है लाल वाला तो उसको चेक कर देंगे। ये अभी ऑन कर देना ये देख लेंगे अपन। इसके कितने फैंस है? इसके भी पांच है। उसके कितने थे? पांच। इसके ना उसके भी तो फिर ये कैसा बेटर है उस हिसाब से मतलब ये अच्छा है। ओके हाँ ये भी अच्छे है ना। यहाँ पूरे कूलरों की गली है गाइस। पूरा कूलरों की मार्केट है। अंदर भी है शॉप शॉप्स में। एक हम लोग को पसंद आ गया नहीं एक अच्छा दिखा वो। मैं बोलूँ सबसे बड़ा वाला ले लेंगे बोलूँ नक्को शॉप ज़्यादा वो दिखता। उससे अच्छा विंडो एसी लेंगे या कूलर लेंगे? क्या बोलते शॉप कूलर पसंद नहीं? कूलर ना पसंद आया लेकिन अभी हम लोग कंफ्यूज में अभी डिसाइड करना पड़ता हमारे को। मैं सोचा था वो आयरन का जो बॉक्स आता ना कूलर वो वाला लेंगे जो प्रैक्टिकली अच्छा रहता। बट ये आने के बाद में इलाम क्या बोले तो ये प्लास्टिक का उसमें क्या है करंट भी मारता और 8 दिन में जंग भी आ जाता रहते। तो उससे अच्छा इन्हों क्या बोले तो ये ले लो जो फाइबर का है ना वो लियो। बट फाइबर के उसमें प्रॉब्लम ये है उसमें मैं अभी अपने पास था ना पहले भी था अपने पास यार उतनी ज्यादा दे नहीं मालूम उसमें हवा नहीं आती। वो स्टील के जो डब्बे रहते कूलर उसमें हवा ज्यादा आती। उससे तो बेस्ट है अपन वो विंडो एसी ले लिए तो विंडो एसी लेना बेटर बिकॉज हमारे पास स्प्लिट एसी ऑलरेडी बेडरूम में है। विंडो एसी हमारे को हॉल में लगाना है बिकॉज अभी हॉल में हम ना होल वोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे नए घर में जो होल करना कहीं को पैसा बना के दियो। विंडो एसी ले लेंगे विंडो में लगा लेंगे बोल के कूलर। हाँ बट मेरे हिसाब से कूलर बेटर है भाई। आप बिल बिल भी देखना ना करंट की बिल कुछ ज्यादा आ जाती है। हाँ कूलर बिल चलो देखेंगे अभी दुकानों में इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा हम लोग अपना बजट में देख के लेंगे। इतने एक्सपेंसिव नहीं थे पहले। हाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गए अब कूलर कहीं को ऐसा पहले नहीं थे होते पता नहीं कहीं को ऐसा। तो अभी हम यहाँ से निकल गए एक बार विंडो एसी का भी मालूम करेंगे फिर फाइनल करेंगे गाइस। हम लोग हर चीज एकदम धन बोल के नहीं लेते सोन समझ के लेते। सोन समझ के लेना पड़ता भाई जिंदगी है ये। लॉन्ग टाइम चलना ना लॉन्ग टाइम है जिंदगी है ये क्या। अब देखो ऐसा टाइम आ गया सर्दियों में हीटर लेना पड़ा गर्मियों में एसी लेना पड़ रहा। जिंदगी में नहीं सोचा कभी खरीदते अपन हीटर वो भी हैदराबाद में रहते यहाँ रह के हम लोगों को हीटर लेना पड़ा। अब तो गर्मियों का तो हमें एक्सपीरियंस है ऑलरेडी लास्ट ईयर हम लोगों को मालूम है कैसा हुआ हमारे घर में हिसाब किताब है तो लेना ही पड़ता वो तो नहीं तो पूरे जाके बेडरूम में बढ़ जाना पड़ता फिर। यस हाल में तो आ ही नहीं सकते फिर रमजान भी आ रहा मतलब कैसा रहता गर्मी हो रहते होंगे अल्लाह बचाए। ठंडे ऐसे रोजे गए तो अच्छा है जैसा आज वेदर अच्छा है। विंडो एसी चेक कर लेंगे एक बार चेक कर लेंगे ना भाई सोन समझ के लेना है क्या। बुढ़ा बुढ़ी की शादी नहीं है एक दिन में हो जाने को घर है फैमिली है सोन समझ के लेना हर चीज। यस प्रैक्टिकल सोचना पड़ता। विंडो एसी लिए तो पहले उसका बिल अब जबरदस्त आता है। दो एसियन चले तो फिर खत्म। लेट्स सिंग अ सॉन्ग फुल ऑफ होप फुल ऑफ पेन। व्हाई डोंट यू सिंग अलोंग माय फ्रेंड फॉर इट्स आवर लास्ट रिफ्रेन। तो यहाँ पर आए शोएब कुछ लेने के वास्ते। इस मैं खा रही हूँ व्हील्स। शोएब बच्चों के हाथ लाते ना मेरे वास्ते भी कुछ भी लाते रहते हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कराते रहते। Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when
मेन चीज़ होना था मेरा घर में टूट गया गाइस। तो चलो मैं दिखाती हूँ गैवा ने क्या लिया। हमारा फाइनली घर को आ गया और हमारा क्या शॉपिंग करके आए वो आप लोग के साथ दिखाती हूँ। तो पहले चाय पीती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ओके चलो क्या शॉपिंग करी आप लोग को दिखाती हूँ गाइस। कूलर लेने गए थे, एक्सपेंसिव बताया बहुत। इंशाल्लाह कूलर या विंडो एसी लेंगे फाइनल, तो वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे क्या करने वाले हैं हम लोग। तो एक चॉपर ली, मेरा जो चॉपर था ना टूट गया, ऐसे वाला ली मैं, बिकॉज किचन में बहुत नीड होती है इस चीज़ की गाइस। एक चॉपर ली मैं, देख सकते आप लोग ऐसा है, इसको यहाँ लगा देना मस्त। एक न्यू चॉपर ली मैं। ओके मोगो मोगो मिला गाइस एंड अपन पियेंगे और थोड़ी एनर्जी लाएंगे। Okay. हम लोग यहाँ घर को आ गए और जो शॉपिंग करी थी वो चीज़ आप लोग को दिखाई। मेन चीज़ मेरे को होना था चॉपर जो था मेरा पुराना वाला, वो टूट गया था इसके वजह से। तो आज हम लोग यहाँ गए थे मेन चीज़ लेने के वास्ते, बिकॉज समर आ रहा ना गाइस, तो एसी या कूलर लेने के वास्ते गए थे। विंडो वाली एसी एक्सपेंसिव है, कूलर का भी प्राइस ज़्यादा हो गया गाइस। एंड तो हम लोग अभी एक दो तीन दुकान दिखे, हम लोग निकले थे देर से गाइस, तो ना ट्रैफिक के वजह से ना मतलब स्पेस नहीं थी वहाँ पर पार्किंग को। तो एक दो और जगह देखेंगे इंशाल्लाह, फाइनल करेंगे फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे कूलर लिए या विंडो एसी लिए, बिकॉज बेडरूम में तो हमारे एसी है एंड हॉल के वास्ते होना है, बिकॉज समर आ रहा तो प्रिपेयर होना ज़रूरी है। स्पेशली रमज़ान आने वाला है तो उसके वास्ते तो समझ सकते हैं आप लोग, उसके वास्ते तो ज़रूरी है एसी या कूलर। जो भी है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ गाइस, इससे क्या होता है मतलब आप लोग को भी कुछ आइडिया मिलते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ गाइस। तो ये था गाइस आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ जबरदस्त ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़। जरूर दुआ में याद रखना। बाय गाइस।